हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि 2018 में आने वाली तीन ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे फ्यूचर को बदल देगी पूरी तरह से। नंबर 3, ड्राइवरलेस कार। कई ऑटोमोबाइकर्स और टेक कंपनी जो पिछले काफ़ी वर्षों से ड्राइवरलेस कार बनाने के बारे में काम कर रही है, मगर वहीं एक कंपनी वाइमो ने तो साथ 2018 में अपने ड्राइवरलेस कार को लॉन्च करने की बात करी है। हालांकि वाइमो ने फिनिक्स और एरिजोना में अपने सेल्फ ड्राइविंग कार की कुछ महीनों तक टेस्टिंग करी है, जिसमें वो लोग पास भी हुए। और वाइमो का कहना है कि कुछ महीनों में यह कार शहरों में आ जाएंगी। ये कार हम मोबाइलों से भी ऑपरेट कर सकते हैं, हमें सिर्फ पिकअप और स्टॉपेज पॉइंट का लोकेशन देना होगा, बाकी ये सारी काम खुद ही कर लेगी, हम तक पहुंचने की और हमारे स्टॉपेज तक पहुंचाने की। इससे हमारे फ्यूचर में काफ़ी मदद होगी। इसमें कई सारे सेंसर्स भी लगे हुए हैं, जैसे कि एक सेल्फ ड्राइविंग सेंसर है, जिससे कि एक्सीडेंट बहुत ही कम होगी। ये खुद ही दूसरे आने वाले कार को डिटेक्ट कर लेगी। ये बिल्कुल भी सेफ है, हमेशा सेफ ही रहेगी ये। कई दूसरे कंपनीज का जहाँ कहना है कि इस तरह की कार बनाने में उन्हें 2021 तक का वक्त लग सकता है, मगर वाइमो ने 2018 में ही रिलीज़ करने का दावा कर रहा है। आप इसी बात से वाइमो की टेक्नोलॉजी कितनी अभी एडवांस है आप समझ सकते हो। दोस्तों, यह थी हमारी ड्राइवरलेस कार के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। नंबर 2, द रिटर्न ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गूगल ने 2012 में रियलिटी ग्लासेस बनाया था, मगर ये आम लोगों को नहीं पसंद आया। इसके यूजर फ्रेंडली ना हो पाने के कारण यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया था, मगर फिर से गूगल ने रियलिटी ग्लासेस को मॉडिफाई किया है, जिसका नाम उन्होंने मैजिक लिप्स रखा है और इसे लाइटवेयर भी कहा जाता है। यह रियलिटी हेडसेट 2018 में रिलीज़ होगी और इस रियलिटी हेडसेट से हम इंटरनेट ब्राउजिंग, कॉन्फ्रेंस कॉल, गेम भी खेल सकते हैं। ये बिल्कुल आम चश्मे की तरह दिखने में होगी, मगर ये काफ़ी एडवांस होगी। अभी तक इस गैजेट की कीमत टैग नहीं हो पाई है और ऐसा माना जा रहा है कि सबसे पहले यह गैजेट को सॉफ्टवेयर कंपनीज ही खरीदेंगे और फिर इन्हें टेस्ट करेंगे। ये जल्द ही हम लोगों तक आ जाएगा, 2018 के मिड तक या एंड तक में आम लोगों तक आ ही जाएगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे इंडिया में होने जा रहा है। नंबर 1, अल्फ़ाबेट विल डिलीवर इंटरनेट वाया लेजर्स इन इंडिया। अल्फ़ाबेट के एक्स रिसर्च डिवीजन कुछ एडवांस लेजर टेक्नोलॉजी इंडिया को बेच रही है, जिससे करोड़ों लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड की जाएगी। पहले इंडिया में जो ह्यूज डेटा ट्रांसफ़र के लिए फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, मगर उसके जगह पे ये स्पेस ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी कहे जाने वाली टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी, जो कि लाइट के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र होगा। इस टेक्नोलॉजी को सही से काम करने के लिए हर 12 माइल पे, यानी हर 12 माइल पे एक स्पेस ऑप्टिकल बॉक्स लगाई जाएगी, जिसका स्पीड 20 GB तक होगा, यानी 20 GB/s। ये काफ़ी फास्ट टेक्नोलॉजी होगी और ये अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रही।